काली मैया की जय। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स भाई, अभी आज है नवरात्रि का नौवां दिन और फाइनली आज कन्या को खिलाया जाएगा घर पर एंड मैया की भी पूजा होगी। तो बस उसके लिए ना अभी चल रहे हैं फूल माला लेने ट्रांस यमुना कॉलोनी। तो आज मेरे साथ जाएगा जे, क्या नाम है तेरा? कवि जाएगा आज मेरे साथ। सुवी आती है वैसे डेली मेरे साथ, सुवी आती है, सुवी आ जाए नहीं है। तो आज कवि जाएगा मेरे साथ और अभी हम जाएंगे स्टेला से। कैसे चलेगा स्टेला से? तो अभी चलेंगे हम लोग स्टेला से और स्टेला काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है और इसे आके आज शाम को धोएंगे, आज इसे साफ़ करेंगे। स्टेला को साफ़ करना है आज, मत निकाल, मैं निकाल लूँगा रहने। तो अभी चलते TYC। फ्रेंड्स अभी है ना, मैं सामान ले आया ट्रांस यमुना कॉलोनी से और अभी मम्मी पापा भैया भाभी सब लोग पहुंच गए मंदिर में और अभी स्टार्ट हो चुकी है पूजा। तो अभी अपन भी चलते हैं मंदिर में पूजा करने। और यहाँ से मेहंदी का पेड़ कट चुका है, मेहंदी के पेड़ को काट दिया। कितने काटा? सब लोग इसमें से मेहंदी ले रहे हैं, आराम से दो चार दिन इकट्ठी मेहंदी लगाएंगे सब। पानी भाई प्रसन्न आद जगदम्मा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्मा, मत कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, छा करे भक्त रहे निसंक, मैं आया तेरी शरण में मात लीजिए अंग। हम सब पूजा कर चुके हैं अभी और अभी करेंगे मंदिर में आरती। तो अभी सब लोग आएंगे आरती के लिए, मतलब पूरी गली आएगी आरती के लिए। आज आरती हो गया। ये भाई साहब पता आरती करते करते सो गए, अब इनको सुलाए पहले और इनके पास रुकेंगे आराम से। यहाँ सुना अब ये आई सब आरती करते करते सो गए, अब इनके पास बैठना पड़ेगा। और मंदिर में आरती भी खत्म हो चुकी है और यहाँ पे माता रानी का प्रसाद बन के तैयार है सब ची, इसमें खीर, काशीफुल की सब्जी, हलुआ, चने। और डेवी सो गया इसके लिए, छोटू ये डेवी के पास है, यहाँ पे देखिए आरती हो गई है। करो जी कन्या पूजन करो जी, ओ सुख संपत्ति ऐश्वर्य दान दे, विजय रूप यश फल महान दे, मन से ध्यान धरो जी कन्या पूजन आठ तरह की कन्याओं का पूजन महासुखकारी है। कन्या पूजन पहली कन्या तीन वर्ष की जिसकी महिमा भारी है। कन्या पूजन
मानी जाती है। कन्या पूजन चार वर्ष की प्यारी प्यारी विद्या विजय दिलाती है। कन्या पूजन पांच वर्ष की कन्या सुंदर इसके चरण धुआओ। कन्या पूजन रोग नष्ट हो जाएंगे सब जीवन भर सुख पाओ। आयु छह वर्ष की वो कन्या तो न्यारी है। कन्या पूजन साक्षात काली का रूप है शत्रु पे जो भारी है। कन्या पूजन सात वर्ष की कन्या पावन जिसके घर में आई। कन्या पूजन लखाई उसके घर में लक्ष्मी स्वयं चल कर आई। कन्या पूजन काली मैया की जय। दरबार की जय। मैया की जय। बलवीर की जय। ओ मई तुम कम खा ले खत्म कर दी आने कर दी है 500 को ले लो जो करो 20 का नोट दे दे। चलो जय माता दी। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी है ना सब लोगों ने खाना खा लिया। अब रह गए मैं भैया मम्मी डेवी। ओ डेवी खीर खा गयो डेवी। ले खा खा हाथ से पकड़ के नहीं ऐसी खा ऐसी खा। फ्रेंड्स फाइनली अभी है ना आरती का टाइम हो चुका है क्योंकि अभी बज रहे 6:30 तो अभी लोग आए नहीं है 7 बजे तक आ जाएंगे। 7 बजे आरती होगी और ये देखो इसका हाँ इसका नाम है कीकड़ी और ये मेरे साथ पढ़ी है 10th तक। 8th क्लास से लेके 10th तक मेरे साथ पढ़ी है और ये अब इसकी मम्मी ये इसकी मम्मी है और ये इसकी मम्मी है। इसका नाम है कीकड़ी मैं और अनिया कहते हैं कीकड़ी। क्या कर रही है स्मेल आ रही है। कटर पहने पिंक कलर के कपड़े तो फ्रेंड्स अभी है ना मतलब मंदिर पे आरती खत्म हुई और डिंपल का कुछ सामान जाएगा तो बस अभी सामान देके आना है कमला नगर। तो मैं भैया और गोलू तो हम 3 लोग हैं ना मतलब डिंपल का करवा चौथ का सामान देने जा रहे हैं कमला नगर। फिर वहां से आएंगे और बच्चे प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके होंगे और बच्चे भी है ना जब तक मैं ना हूँ भाई कुछ करते नहीं है तो इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ेगा। तो लेट्स गो अभी चलते हैं कमला नगर सामान देने। क्या सामान है करवा चौथ का सामान तो वही जाएगा बाइजैक सीधे। तो अभी ना डिंपल के मीठे वाले जो होते हैं ना बतासे जैसे
करवे बोलते हो ना जब होते हैं, बताओ मीठे मीठे, तो बस वही लेने अभी, तो लेट्स सी मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। ये रे मीठे वाले जग, मैं बोलता हूँ ना मीठे वाले जग, बचपन में तो हम खा भी लिया करते थे, घोड़ा हाथी ऊंट ऊंट भी खा लेते थे, गाड़ घोड़ा हाथी और करवे लड़ाई होती है, मैं ऊंट खाऊंगा, मैं ऊंट खाऊंगा, टेस्टी भी लगता है, घोड़ा घोड़ा खाऊंगा, क्या कह रहे बोलू, टेस्टी भी लगते थे, टेस्टी अब तो मिलते भी ना, पता ना कहां चले, नहीं मिलते तो है, मिलते तो है, बट पूरी साल रख ही रहते हैं, हमारे टेस्ट बदल गए, ये तो है, हम बड़े हो गए, हमारे टेस्ट बदल गए। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके, मम्मी लाती तो अच्छी अच्छी चीजें, मम्मी को पता नहीं कहाँ से मिल जाती है, मतलब इतना अट्रैक्टिव है ना ये प्लेट भी इतनी अट्रैक्टिव है, और कलश भी इतना अट्रैक्टिव, कलश टेप से क्यों बंधा हुआ है, कलश पे टेप क्यों है इतना सारा, अरे वो सामान गिर नहीं जाए क्योंकि बैग में रखे जाना ना, उसको रखा हुआ है कुछ सामान रखा था मम्मी ने, पायल वायल और कुछ पता नहीं क्या क्या, अरे भैया कुछ काम तो ऐसे पूरा टेप से हो रखा है, मैं सोच रहा थी टेप से, ये तो बूढ़े ही भी नहीं फिर भी टेप से, पर ये काफी ज्यादा बढ़िया है, ओ, 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 ओ। और जो सामान है वो यहीं से चला जाएगा है ना, वो यहीं से लेके जाएगी, बट ये जो जरूरी चीज है वो पहुंच जाएंगी वाइजैग, दो मिनट में पहुंच रहा हूँ, और मतलब गड्ढा कर लो, गड्ढा में मतलब So, yeah, the